साल 2003 में आई सलमान खान की फिल्म तेरे नाम को भला कौन भूल सकता है। निर्देशक सतीश कौशिक की इस फिल्म ने भाईजान के सुस्त पड़े करियर में एक बड़ा उफान लेकर आया था, जहां उनके राधे मोहन के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया था। वहीं दबंग एक्टर को भी एक ही फिल्म में अपने किरदार के जरिए कई रूपों को निभाने का मौका मिला था। फिल्म की अपार सफलता को देखकर ही अब इस फिल्म के सीक्वल बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सूत्रों की माने तो सतीश कौशिक ने तेरे नाम के सीक्वल की स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इस ट्रेजिक लव स्टोरी बेस्ड फिल्म की कहानी एक गैंगस्टर के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, जहां फिल्म में उत्तर भारत के परिवेश को दिखाया जाएगा। लेकिन इस सीक्वल में फिल्म के मुख्य किरदारों के नामों को अभी तय नहीं किया गया है, जिसे लेकर सलमान खान खुद दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और सतीश कौशिक से उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी नए चेहरे को राधे मोहन के किरदार के लिए मौका दें, लेकिन शायद तेरे नाम टू में सुल्तान एक्टर का एक कैमियो रोल भी हो सकता है, जिससे उनके फैंस को थोड़ी राहत मिल जाएगी। आपको बता दें, सलमान खान और सतीश कौशिक ने हाल ही में आने वाली फिल्म भारत में एक साथ काम किया है। फिलहाल राधे मोहन और निर्जला की प्रेम कहानी को नए अंदाज में देखना बहुत दिलचस्प होगा।